खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट शाही रोड सावरकर चौक ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार स्टेशन रोड ऑफिसर हॉस्टल के बगल में सिविल लाइन ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बांसी ललितपुर। नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आखिर इस भीड़ में खड़ी कई किलोमीटर से चलकर आई लड़की से पूछो बेरोजगारी और बेबसी का मतलब क्या है। क्या इस छोटी सी एग्जाम को लेकर सेंटर बदलने से नकल रोकी जा सकती है, जिसको लेकर बुंदेलखंड विकास सेना प्रमुख और अन्य जिलों से आए परीक्षार्थियों का क्या है कहना है, देखिए ललितपुर लाइव टीवी की इस विस्तृत रिपोर्ट में। ललितपुर लाइव टीवी के लिए मनोज जैन की रिपोर्ट। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। छात्रों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय बुंदेलखंड। देखिए यूपी पैड में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने संवेदनहीनता दिखाई है वो मैं आपको बताऊं काफ़ी निंदनीय है, और जनता में, छात्रों में, छात्रों के अभिभावक में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। लोगों के यहाँ से आज जैसे आप देखें लोगों के 300-400 किलोमीटर दूर सेंटर कर दिए गए, जिससे लोगों को बहुत समस्याएं हो रही हैं। हम लोगों का कहना था और इन लोगों को सोचना था और जनप्रतिनिधियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को, कि जिले में ब्लॉक बदल देते। और अब कैमरे हैं, सब कुछ है, आपको अपने अपने संसाधन पर विश्वास नहीं है कि नकल होगी। इन नकल को रोकने के लिए अपने संसाधन की व्यवस्था करनी चाहिए थी। आज जिस तरह छात्र छात्राएं परेशान हो रही हैं, आप देखें कि रात को पूरे में चारों तरफ छात्र छात्राएं हजारों की तादाद में ललितपुर जिले में जब भटकते देखा लो, ना होटल है, ना लॉज है, ना खाने की व्यवस्था है। आप देखें ये गार्डन में किस तरह से हजारों बच्चे यहाँ लेटे हुए हैं, और जगह देखें रोडों पे यही हाल था। तो सरकार को और नेताओं को और नीति निर्धारकों को संवेदनहीनता का जो परिचय दिया है, हम आप चाहते हैं इसका आगे से, इस बार तो जो हो गया क्योंकि आज लास्ट एग्जाम है, आगे से दूरदर्शिता दिखाते हुए बच्चों के हित में उनके जिला हेडक्वार्टर पे ब्लॉक चेंज करते हुए उनके सेंटर बनाए जाएं। कहाँ से आप आए हैं, क्या परेशानी का हम सामना झेलना पड़ रहा है, क्या नाम? हमारा नाम बाबूराम है, हम महोबा से आए हैं। यूपी पैट का एग्जाम है सेकंड शिफ्ट में, जो पेपर होना है जो अभी यहाँ पे है, तो इंतजार कर रहे हैं उसका। और लेकिन ये तो ये यहाँ पे परीक्षा कराना गलत है, जो अन्य डिस्ट्रिक्ट में भेजा गया है। किस प्रकार से होना चाहिए परीक्षा केंद्र, ये होम डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा एग्जाम तो है नहीं कि जो यहाँ पे लिया जा रहा है। यूपी टीजीटी वगैरह और वगैरह का तो एग्जाम वहीं पे होता है, होम डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा रहती है, वो भी तो वहीं पे होता है। जी क्या नाम है और आज किस लिए आप यहाँ आए हैं? जी मेरा नाम हेमेंद्र प्रजापति है, मैं उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का हूँ, और मेरा यूपी तिरपालसी पैट का एग्जाम है जो उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, जो मेरे से यहाँ होम डिस्ट्रिक्ट से 250-300 किलोमीटर की दूरी पर है। कि और ऐसा सरकार ने बिल्कुल गलत किया है मेरे, और यूपी तिरपालसी का पैट का जो एग्ज़ाम है यूपी में इतना बड़ा एग्ज़ाम नहीं है कि जिससे कि स्टूडेंट को बाहर भेजना पड़े। जैसे यूपी टीजीटी के हो गए, और यूपी बीएड एंट्रेंस हो गया, पॉलिटेक्निक हो गए, और वगैरह वगैरह यूपी के जो बड़े एग्ज़ाम होते हैं वो होम डिस्ट्रिक्ट में करवाए जाते हैं, जबकि यूपी तिरपालसी पैट का जो अधीनस्थ लखनऊ वाला एग्ज़ाम है वो होम डिस्ट्रिक्ट से कम से कम इससे स्टूडेंट एक तो दूसरों पर आश्रित है घर पर, और बेरोजगार है। इससे क्या है कि दूसरे स्टेट में, दूसरे ज़िले में जाएंगे तो हमको कुछ इंतजाम नहीं है कि हमें कहाँ रुकना है। कोई फाइव स्टार होटल में तो रुक नहीं सकते, या होटल की व्यवस्था नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे घर में गरीब माँ बाप हैं, बेरोजगार हैं। कहाँ रुके आप? हम यहाँ पर ललितपुर में एक पार्क है, आज़ाद चंद्रशेखर आज़ाद पार्क, यहाँ पर अपनी टाइम व्यतीत कर रहे हैं। कल रात से आए थे, जो कि ट्रेनों में भी इतनी भीड़ है कि हमें बसों से भी और ट्रेनों में भी ऐसी जगह बैठना पड़ता है जहाँ पर कोई बैठने को बैठना चाहता नहीं है, मजबूरी से ये पेपर देने आए हैं। जी क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं महोबा जिला का निवासी हूँ। मैं SSSC पैट का एग्ज़ाम देने आया था, जो कि सरकार ने इस साल बहुत ही गलत किया है। पिछले साल इसी का सेंटर जो है, तो क्या क्या परेशानियाँ हुई आप? इसमें जो परेशानियाँ हुई वो सबसे मेन चीज़ है कि हमें आने में बड़ी दिक्कत हुई, और पैसे का खर्च हुआ, इतनी बड़ी जो परीक्षा नहीं थी।
इसमें जो भेड़ बकरियों की तरह आना पड़ा हमें रेलवे में, और इसके लिए सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किए हैं। इसमें जो हमने देखा कि एक के ऊपर एक लद कर आ रही थी। कब आए थे आप? हम कल आए थे शाम। कल से कहाँ हो आप, कहाँ रुके? कल से यहीं पर आज इसी पार्क में रुके हुए हैं।